का नियम तो वही है, पहले वाला नियम में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण में दूसरा सुना देता हूं, एक एक नियम यह है कि संसार में कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ कर्म होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ईश्वर, जीवात्मा, ये सब क्या है? ये द्रव्य है, वस्तु है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संख्या, परिमाण, ये क्या है? ये गुण है। और आना, जाना, नाचना, गाना, ये कर्म है। ठीक है, अब नियम यह है कि जो गुण होता है वो द्रव्य के आश्रित रहता है, अकेला नहीं रह सकता। हाँ जी, क्या नियम है बताइए? गुण सदा द्रव्य के आश्रित रहता है, अकेला नहीं रहता। ऐसे ही जो कर्म होता है वो भी द्रव्य के आश्रित होता है, अकेला वो भी नहीं रहता। तो गुण और कर्म दोनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं। तो जैसे मान लो रूप गुण है, ये एक द्रव्य है, ढक्कन, बोतल का ढक्कन एक द्रव्य है। इसमें रूप गुण है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें स्पर्श गुण है, इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो रूप किस में रहता है? इस द्रव्य में। स्पर्श गुण किस में है? इस द्रव्य में। तो रूप, स्पर्श आदि जो भी गुण है वो सब इस द्रव्य के आश्रित है, इसको छोड़ के रूप गुण अकेला नहीं रहेगा। तो ये द्रव्य है, इसमें रूप आदि गुण है, ये द्रव्य है, इसमें रूप आदि गुण है। दरवाजा, वो एक द्रव्य है, उसमें रूप आदि गुण है, स्पर्श आदि गुण है। तो बस 10-20-50 जगह हमने देख लिया, जहां भी गुण है वो द्रव्य के आश्रित है, बिना द्रव्य के अकेला गुण कहीं भी नहीं है। यह सामान्य नियम, गुण सदा द्रव्य के आश्रित होते हैं, ये सामान्य नियम हमने 50 जगह देख लिया। अब इस नियम के आधार पर हम आगे अनुमान लगाएंगे। अगर हमें कहीं गुण मिल जाए, क्या बोलो? अगर कहीं पर गुण मिल जाए तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? कि यहाँ कोई ना कोई द्रव्य भी होगा जिसके सहारे से ये गुण रहते हैं। अगर कहीं गुण प्राप्त हो जाए तो मतलब वहां कोई ना कोई द्रव्य भी अवश्य होगा, क्योंकि गुण अकेला रहता नहीं, द्रव्य के सहारे ही रहता। तो लोग पूछते हैं कि आत्मा है? हम कहते हैं है। क्या प्रमाण है? हमने कहा लो सुनो, अभी हनुमान प्रमाण बता देंगे। आत्मा आंख से तो दिखता नहीं, दिखता है? आंख से नहीं दिखता, आत्मा आंख से नहीं दिखता, फिर भी हम कहते हैं आत्मा है। तो फिर कैसे सिद्ध करो? आंख से प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं, तो अनुमान करो। कैसे अनुमान करें? तो इस तरह से अनुमान करेंगे कि गुण द्रव्य के आश्रित रहता है, अकेला रहता नहीं। अब हम पूछते हैं, आप उत्तर बताएंगे। क्या आपके अंदर इच्छा है? इच्छा एक गुण है, ठीक है, और आपके अंदर इच्छा है। अगर इच्छा है, गुण है, तो कोई द्रव्य भी होगा जिसमें इच्छा रहती है, क्योंकि द्रव्य के बिना गुण नहीं रहता। और गुण है वो दिख रहा है सामने प्रत्यक्ष है, यहाँ इच्छा तो है। अगर इच्छा है तो कोई ना कोई द्रव्य होगा जिसमें ये इच्छा रहती है। अब आप कहेंगे कि इच्छा शरीर में रहती है, तो हम कहेंगे गलत। जब शरीर मर जाता है तब तो इच्छा नहीं दिखती। इच्छा अगर शरीर का गुण हो तो मरने के बाद भी इच्छा दिखनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो अभी भी है। डेड बॉडी में कोई इच्छा दिखती है? इसका मतलब जिसमें इच्छा रहती थी वो द्रव्य कहीं निकल गया, चला गया, अब इसलिए इच्छा नहीं दिख रही। जीवित शरीर में इच्छा दिखती है, मृत शरीर में इच्छा नहीं दिखती। इसका अर्थ हुआ कि इच्छा शरीर का गुण नहीं है, किसी और का गुण है। जिसमें वो रहती थी वो चला गया, शरीर छोड़ के चला गया, इसलिए इच्छा भी साथ चली गई। गुण और द्रव्य हमेशा साथ में रहते हैं। तो यदि आपके अंदर इच्छा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई पदार्थ है जिसमें इच्छा रहती है, उसका नाम आत्मा है, ये हम शब्द प्रमाण से जान लेंगे। उसका नाम क्या है जिसमें इच्छा रहती है? शब्द प्रमाण में बताया उसका नाम आत्मा है। पर वो पदार्थ है कुछ ना कुछ, ये तो अनुमान से सिद्ध हो गया, क्योंकि गुण है इच्छा।
तो कोई ना कोई पदार्थ द्रव्य भी है। तो जो लोग इच्छा को नहीं मान, जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनको इस तरह से समझाएं कि आपके अंदर इच्छा है, तो किस में इच्छा है? हीलियम में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सिलिकॉन में, कॉपर में, गोल्ड में, किस में इच्छा है? किसी में नहीं। एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, एनर्जी में, किसी में इच्छा नहीं। और आपके अंदर है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई और चीज़ है जिसमें ये इच्छा रहती है, उसका नाम आत्मा। ऐसे आप समझा सकते हैं। कोई बुद्धिमान हो, ईमानदार हो तो समझ लेगा, और अड़ियल हो तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं, वो नहीं मानेगा। न माने छोड़ दो, पर आपको पता है कि हम ठीक चल रहे हैं, हम आत्मा को मान रहे हैं, हम ठीक मान रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहता, या वो स्वीकार करना नहीं चाहता, वो उसकी कमी है। पर हम तो ठीक चल रहे हैं। अगर इच्छा है तो कोई ना कोई द्रव्य जरूर है जिसमें ये इच्छा रहती है, और शब्द प्रमाण में बता रखा है कि उसका नाम आत्मा है, आत्मा में इच्छा होती है। इसलिए हम उसको द्रव्य मान रहे हैं। गुण है तो द्रव्य है, इच्छा गुण नहीं उसमें। हाँ, हमारी चर्चा तो है इच्छा गुण। आपके अंदर इच्छा है तो मतलब कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए जिसमें इच्छा रहती हो। अब हीलियम हाइड्रोजन में तो इच्छा है नहीं, वो साइंस वाला मना कर रहा। हीलियम में इच्छा नहीं है, हाइड्रोजन में इच्छा नहीं है। बोलिए, वैसे हैं तो एक ही, पर समझाने के लिए हम दो करके बोल देते हैं। वास्तव में वो एक ही है, दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि आप गुणों को द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। ये मोटी भाषा है, बोलने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, वास्तव में है एक ही। जैसे अग्नि और गर्मी, अग्नि एक द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है। एक बच्चे ने पूछा कि अग्नि क्या होती है, समझाओ। अब आप बताओ कैसे समझाएंगे, जबकि अग्नि और गर्मी तो एक ही चीज है। आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? तो फिर एक ही हुआ ना, अलग ही तो कर ही नहीं सकते, तो एक ही चीज हुई। पर आप बच्चे को समझाएंगे कैसे? समझाने के लिए समस्या है, तो मजबूरी की भाषा में हमको दो करके बताना पड़ता है। हम कहेंगे बेटा देखो, अग्नि उसे कहते हैं जिसमें गर्मी होती है, जिसमें गर्मी होती है। तो ऐसा लगता है जैसे दो चीजें, जिसमें, पर ये मजबूरी है भाषा में। वास्तव में अग्नि और गर्मी एक ही चीज है। बताने के लिए हमको ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है जिससे ये लगता है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम उसके नाम रख देते हैं समझाने के लिए। एक द्रव्य, एक गुण। तो अग्नि उसे कहते हैं जिसमें गर्मी होती है, गर्मी गुण है और अग्नि द्रव्य है। फिर जो जला देती है उसको अग्नि कहते हैं, फिर जो भोजन पका देती है उसको अग्नि कहते हैं। समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, वास्तव में वो एक ही चीज। जी मेरा घर, यहाँ दो है वस्तु अलग है, मेरा घर, घर अलग है, मैं अलग हूँ। यहाँ दो द्रव्य है और उनके गुण भी अलग अलग है। कार जड़ है, मैं चेतन हूँ। ये मोटी भाषा, ये वास्तविक नहीं है। भाषा में कहीं वास्तविक भाषा होती है और कहीं आलंकारिक होती है। जैसे आपको टैक्सी पकड़नी तो आप क्या आवाज लगाएंगे? टैक्सी। टैक्सी सुनती है क्या? सुनती हो? फिर आप तो बोल रहे टैक्सी, आप तो ऐसे आवाज लगा रहे जैसे टैक्सी सुनती हो, है? तो बोलते हम कुछ और हैं, हमारा मतलब कुछ और होता है। मतलब होता है टैक्सी ड्राइवर से, हम आवाज लगा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर को, टैक्सी को नहीं लगा रहे, वो तो जड़े, फिर भी बोलते हैं टैक्सी। फिर आप बैठ गए यहाँ से कार में रोहतक से, और जाना था आपको दिल्ली। फिर चलते गए रास्ते में सांपला स्टेशन पहुँचे, तो आपने कहा भाई सांपला आ गया। सांपला आ गया या कार आ गई? कार आई है, सांपला नहीं आया, सांपला वहीं खड़ा है। फिर चलती जाएगी कार, बहादुरगढ़ आएगा, फिर कहेंगे बहादुरगढ़ आ गया। ना बहादुरगढ़ आता है, ना मुंडका आता है, ना शकुर बस्ती आता है, कोई नहीं आता, सब वहीं खड़े हैं और बोलते हैं कि भाई शकुर बस्ती आ गया, बहादुरगढ़ आ गया, सांपला आ गया, रोहतक आ गया, दिल्ली आ गया। तो ये मोटी भाषा है, इसी तरह से बोलते हैं मेरी आत्मा, ये मोटी भाषा है। वास्तव में मैं और आत्मा अलग अलग नहीं है, मैं और आत्मा एक ही चीज़ है, फिर भी हम उसको दो बनाकर बोल देते हैं ऐसा। जी द्रव्य और वस्तु तो एक ही चीज है, पदार्थ अलग चीज है।
दर्शन भाषा में, दर्शन शास्त्र की भाषा में पदार्थ अलग चीज है और द्रव्य वस्तु चीज ये एक ही बात है, ये समानार्थक है। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, चीज कहो, एक ही बात है, लेकिन पदार्थ उससे अलग चीज है। पदार्थ के लक्षण अभी तीन बताए थे, क्या क्या बताए थे? जिसकी सत्ता हो, जिसका नाम हो, जिसका नाम हो, नाम हो, जो जानी होते हो, ठीक है, ये पदार्थ के लक्षण है। अब पदार्थों में द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है और समवाय भी। छह पदार्थ हैं, छह के छह पदार्थ हैं, जबकि कोई द्रव्य है, कोई गुण है, ठीक है ना। पर ये छह के छह वस्तु नहीं कह सकते, छह के छह जो हैं इनको पदार्थ कहेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इनको पदार्थ तो कहेंगे, लेकिन छहों को द्रव्य नहीं कह सकते। द्रव्य तो छह में से एक है, इसका अर्थ हुआ पदार्थ और द्रव्य इक्विवेलेंट नहीं हुआ। पदार्थ छह है, द्रव्य छह में से एक है, गुण का नाम भी पदार्थ है पर वो द्रव्य नहीं है। लगाओ दिमाग, दर्शन का पाठ है, यहाँ कोई ढोलक नहीं बजानी है, मेहनत करनी पड़ती है, दिमागी कसरत। चित्त और मन को तो एक ही हो गई, चित्त और मन एक ही चीज, ऐसे जैसे इसको उपमा दी जाए, चित्त और मन एक ही वस्तु है, उसके नाम दो हैं। हाँ जी, द्रव्य और पदार्थ में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी आएगा समझ। एक उदाहरण देता हूं, सभी पुरुष मनुष्य हैं, क्या ये वाक्य ठीक है? सभी पुरुष मनुष्य हैं, ठीक है ना। अब मैं उलट के बोलता हूं, सभी मनुष्य पुरुष हैं, ये गलत है, जबकि वही शब्द बोले मैंने, उलट पलट करके वही शब्द बोले, सभी पुरुष मनुष्य हैं, ये तो ठीक है, पर सभी मनुष्य पुरुष हैं, ये गलत है। इसका अर्थ हुआ मनुष्य और पुरुष में फर्क है, दोनों 100% इक्विवेलेंट नहीं है। मनुष्य शब्द में तीन कैटेगरी है, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, इन तीनों का नाम मनुष्य है, पर तीनों का नाम पुरुष नहीं है। तो पुरुष शब्द की सीमा छोटी है, एक पार्ट पुरुष है, दूसरा पार्ट स्त्री है, तीसरा पार्ट नपुंसक है, तीन पार्ट है और तीनों को मिला करके मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य शब्द का अर्थ व्यापक है और पुरुष का अर्थ छोटा है। अब इसी तरह से छह चीजें हैं, छहों का नाम पदार्थ है पर छहों का नाम द्रव्य नहीं है, इसलिए द्रव्य की सीमा छोटी हो गई। छह भाग हैं पदार्थों के, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। पदार्थ तो सब इस सब है, छह के छह, इन सब छहों का नाम पदार्थ है। जैसे मनुष्य तीनों का नाम है पर तीनों का नाम पुरुष नहीं है, ऐसे ही पदार्थ छहों का नाम है पर द्रव्य छहों का नाम नहीं है, छह में से एक हिस्से का नाम द्रव्य है। इस तरह से द्रव्य की सीमा छोटी होगी और पदार्थ की बड़ी होगी, ये अंतर आ गया। जितना अंतर मनुष्य और पुरुष में है उतना अंतर पदार्थ और द्रव्य में है। अब कुछ समझ में आया? चलो ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए?